जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह एवं पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने विभिन्न परियोजनाओं का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी सर्वप्रथम रुद्रपुर में खजुआ चौराहे के निकट निर्माणाधीन अग्निशमन केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे। उक्त केंद्र का निर्माण 4 करोड़ रुपए की लागत से राज्य निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। अग्निशमन केंद्र के भवन का निर्माण मार्च 2023 तक पूर्ण करने की संभावना है। जिलाधिकारी ने अग्निशमन केंद्र के चारों ओर चौहद्दी स्पष्ट कराने हेतु संकेतक लगाने का निर्देश दिया। निर्माण कार्य पूर्ण गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ किया जाए। इसके पश्चात जिलाधिकारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अंतर्गत 2.22 करोड़ रुपए की लागत से नगर पंचायत रुद्रपुर द्वारा बनवाए जा रहे कार्यालय भवन का निरीक्षण करने पहुंचे। मौके पर काम होता हुआ नहीं मिला, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कार्यालय भवन का निर्माण शीघ्र पूर्ण किया जाए। इस अवसर पर नायाब तहसीलदार करण सिंह, ईओ अमिताभ मणि त्रिपाठी सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे। इसकी डेडलाइन बताओ कि ये कार्यालय का उद्घाटन कब हो रहा है? चुनाव से पहले इसका उद्घाटन करा दो। एक साथ क्यों नहीं कर रहे और ठेकेदार है कौन? शुभम कंस्ट्रक्शन के सर प्रकाश पांडे जी करते हैं। अशुभम है कि शुभम है? शुभम अशुभम है लग रहा है, काम ही नहीं कर रहा है। बढ़िया घास मिल रही है? आपका बना भी हुआ 10 साल पहले कहते हो, मुझे भरोसा नहीं हो रहा। ऊपर का सीमेंट प्लास्टर बताता है, बात की बात है, 10 साल नहीं हुआ इसको। उसको आपने इस लायक नहीं था, लगे ऐसा लग रहा है उजाड़ कार्यालय में कहीं खड़े।